हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसा एक वोकल ट्री लेके आए हैं कि इस ट्रिक से ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे, बिना फार्मूला का, बिना कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इसको सेकेंडों में इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन जो है आपके आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। करना क्या है, देखो दिया है, यदि 10 थीटा बराबर दिया है 3/4 दिया है, अब पूछ कह रहा है चला, पूछ रहा है कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अब बटा में 6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान बताओ भाई, का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है यहाँ 4 ऑप्शन, तो क्या करेंगे हम, जो साधारण बच्चा होगा इसमें 10 थीटा यहाँ लिखेगा 10 थीटा बराबर 3/4, फिर लिखेगा P/B, फिर एच का मान निकालेगा, बहुत टाइम लगेगा। हम आपको बता रहे हैं सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को 4 डालोगे। करना क्या है, देखो 10 थीटा दिया है, 3/4 दिया है ना, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक, बराबर कितना हो गया 3/4 हो गया ना। अब जहाँ जहाँ इस सवाल जो पूछा है हमसे, जहाँ साइन थीटा पूछा वहाँ कौन भरेंगे, 3 भरेंगे, जहाँ कॉस पूछा वहाँ कौन भरेंगे, 4 भरेंगे, तो लोग भर रहे हैं यहाँ पर, देखो 4 का 4, और जहाँ साइन है वहाँ क्या भर देंगे, 3 भरेंगे, 4 × 3 और प्लस यहाँ पर 5, और कॉस है यहाँ पर कॉस है, तो कॉस के मान कितना भरेंगे हम, 4 भर देंगे यहाँ पर, ठीक, और बट्टा नीचे देखो 6 है 6 भर देंगे, और साइन है तो साइन के जगह कितना भरेंगे, 3 भरेंगे, ठीक चला, और 2 का 2 गुणा, अब कॉस जहाँ पर है क्या भर देंगे, 4 भर देंगे, ठीक, और इसे सॉल्व कर लेंगे आपके आंसर आ जाएगा। जी हाँ, देखो 4 × 3 = 12 और कितना हो गया 5 × 20 बट्टा 6 × 3 = 18 और 4 × 2 = 8, अब इसको ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा ये 32 बट्टा आपका का हो जाएगा 26, ऐसे काटेंगे 2 से हो जाएगा 16 बार में, ये कट जाएगा 13 बार में, तो आंसर आ गया 16 बार। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग सवालों को हम बिना फार्मूला को कितना शॉर्ट तरीका से हम लोग सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सवालों को आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आपका एक और सवाल है, बोल रहा है कि यदि 10 थीटा बराबर दिया है P/Q दिया है, तो बोल रहा है कि P sin θ - Q cos θ और बट्टा P sin θ + Q cos θ का मान निकाले। यदि आप लोग सॉल्व करेंगे फार्मूला से तो बहुत टाइम लगेगा। हम आपको ट्रिक बताए हैं क्या करना है आप लोगों को, कि 10 को जो भी दिया होगा, 10 दिया होगा, cot दिया होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग sin θ / cos θ में चेंज कर लेंगे। अभी कितना हो गया, ये किसके बराबर है, तो ये दिया है आपका P/Q के बराबर दिया है, ठीक। अब साइन के मान का भरेंगे, पी भरेंगे, क्यू, कॉस का मान का भरेंगे, क्यू भरेंगे, इसे भर देंगे, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ का भरेंगे पी, तो ये साइन है यहाँ का भर देंगे हम पी भर देंगे, ठीक, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये कॉस यहाँ का भर देंगे हम यहाँ भर देंगे क्यू भर देंगे, क्योंकि कॉस का मान क्यू आया है, फिर यहाँ भी क्या है साइन, इसे काटेंगे क्या भर देंगे आप पी भर देंगे, ठीक, और यहाँ कॉस है तो कॉस जो है क्या भर देंगे क्यू भर देंगे, ठीक, यहाँ क्यू भर दिए, अब यहाँ गुणा करना है, ठीक, तो पी में पी से गुणा करेंगे क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा माइनस, क्यू में क्यू से गुणा करेंगे क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा बट्टा, पी में पी से करेंगे पी स्क्वायर, और प्लस क्यू में क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर, अभी हो गया आपके आंसर क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिना फार्मूला को आप लोग ट्रिक से हर एक सवाल को कर सकते हो। मैथ में ऐसा कोई सवाल नहीं है क्लास 10th में कि वो ट्रिक उस पर ना लगे, हर एक सवाल पर ट्रिक लगेगा, और ट्रिक वाला आप कहोगे तो हर रोज एक वीडियो हम आपको बनाकर देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 tan θ - 4/0 है, तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, तनमन दिमाग लगाओगे एकदम, इसे छाका चौका करके तरह पिटोगे, देखो क्या करेंगे, इसको 5 tan θ - 4/0 है, तब क्या करोगे, यहाँ पर तुम निकालोगे 5 tan θ और 4 को इधर है बराबर किस साइड है, 4 को उठा करके टांग की साइड फेंक दोगे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब चला क्या करेंगे, 10 θ का मान निकालने कितना होगा, 4/5 हो जाएगा, इतना तो कर लेगा तू, इतना कर लेगा, ठीक। अब चल देख, अब देखो 10 θ दिया है, 4/5 दिया है, हमको इसका मान पूछ रहा है, कुछ ना करेंगे हम, 10 θ जानते हैं कि 10 θ क्या होता है, sin θ / cos θ होता है, फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है कि नहीं, बताओ फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है,
फार्मूला तो याद रहना चाहिए, ठीक है। याद ना होगा ना तो कुछ ना होगा, टकते रह जाएगा जाके एग्जाम में, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, यही साइन टेन थीटा को हम लोग चेंज कर दिए भैया बाकी इसमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा में। अब जहाँ जहाँ साइनवा है तहाँ तहाँ का भरेंगे फोर, और जहाँ जहाँ कौसवा है वहाँ वहाँ का भरेंगे फाइव। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका साइन है, तो साइन को हटाएंगे और यहाँ पर क्या भर देंगे आप फाइव भर फोर भर देंगे, ठीक फोर भर देंगे, ठीक यहाँ फोर भर देंगे। अब देखो साइन के मान फोर भर दिए, कॉस के मान कितना भरेंगे, कॉस के मान भरेंगे कितना, तो फाइव आया है तो फाइव भरेंगे, ठीक। दिखाई दे रहा है वीडियो में, ऊपर हो जा रहा है। चलो देखो यहाँ पर देखो करना क्या है, फाइव के फाइव भर देंगे इनटू साइन जहाँ पर है, तो साइन की जगह क्या भरेंगे आप फोर भरेंगे, फिर माइनस है फोर इंटू कॉस से कॉस का मान कितना भरेंगे फाइव भरेंगे, बट्टा में करेंगे फिर आपका आ गया फाइव इंटू साइन का मान कितना आया है फोर आया है, फिर प्लस फोर इंटू कॉस का मान कितना आया फाइव आया। सॉल्व कर लो, चार पचे बीस हो गया, घटाओ चार पचे बीस हो गया, बट्टा में कितना आ गया बीस, प्लस कितना आ गया बीस, और घटेगा तो जीरो हो जाएगा, जब ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे कितना हो गया चालीस हो गया, तो ऊपर जब जीरो हो गया चला तो सब के मान ले बैठेगा, सबको ले बैठेगा, सब जीरो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन पर तुम ट्रिक लगा सकते हो, और ट्रिक लगाओगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन पर आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप लोगों को एक वीडियो मिले ट्रिक वाला, जो कि आपके मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में है उस पर आपको ट्रिक वाला वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम कुछ जानते ही नहीं, तुमको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक। लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब भी करो और कम से कम पूरा दोस्त आप सब्सक्राइब कराओ, ठीक। इसके बाद से आपको क्या चाहिए, किस पर ट्रिक चाहिए, उसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।